Please subscribe the channel Life the Journey and press the bell icon for latest videos and updates. आज basically मैं दुर्गापुर में हूँ with my family, with my daughters. 2018 का first video जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो basically it is all about do's and don'ts on bike modification or customization. कुछ सेट ऑफ़ क्वेश्चंस मैं बनाया हूँ, वो सेट ऑफ़ क्वेश्चन का आंसर भी मैं दूंगा, जो कि मैं बाइक मॉडिफिकेशन करने से पहले जो क्वेश्चन मेरा मन में था और जिसको मैं थोड़ा आरएनडी करके उसका आंसर निकाला था, बिकॉज़ एज़ पर इंडियन लॉ कौन सा मॉडिफिकेशन सही रहेगा, कौन सा विद इन द लीगल जोन है, वो पहले मैं मालूम किया था और उसके बाद मैं मेरा जो बाइक में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया हूँ उसी को लेके आज ये वीडियो है जिसमें मैं डूज़ एंड डोंट्स आप लोगों से शेयर करूँगा. तो आज जहाँ पे बैठ के मैं शूटिंग करूँगा वो भी थोड़ा डिफरेंट होएगा मतलब मेरे लिए थोड़ा डिफरेंट है. मेरा नॉर्मल जो सेटअप है वो सेटअप में मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आउटडोर शूट कर रहा हूँ और मैं मेरा जो क्वार्टर है उसका टेरेस में बैठ के करूँगा विद माई डॉटर्स. देखिए कहाँ पे करूँगा, दिस इज़ माई क्वार्टर एंड ये ऊपर में हम लोग अभी उठेंगे थ्रू दैट स्टेयर. चलो बच्चा बाटी. सेट फॉर माई वीडियो. बेसिकली जब भी कस्टमाइजेशन का बात आता है तो हम लोग बाइकर्स जो सबसे पहले सोचते हैं वो मतलब मैक्सिमम लोगों के पास कस्टमाइजेशन मीन्स बाइक में कुछ सुधार करना और उससे अपना पर्सनैलिटी या अपना जो थगनेस है उसको जाहिर करना. बट टू मी और इन जनरल सेंस कस्टमाइजेशन या मॉडिफिकेशन इज़ नॉट ऑल अबाउट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. इट इज़ ऑल अबाउट द परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ऑफ योर बाइक, ताकि आप जब भी वो बाइक चलाओगे उससे आपका खुद का कम्फर्ट हो और बाइक में जो रिक्वायर्ड नेसेसिटी है या बाइक का जो परफॉर्मेंस है वो बढ़े. तो कस्टमाइजेशन अगेन कस्टमाइजेशन इज़ नॉट ऑल अबाउट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. आज का वीडियो में मैं बेसिकली डूज़ एंड डोंट्स अबाउट मॉडिफिकेशन को लेके डिस्कस करूँगा और एज़ पर इंडियन लॉ कस्टमाइजेशन क्या है और कितना हद तक हम वो कस्टमाइजेशन कर सकते हैं उसको लेके बात करूँगा. आगे बढ़ने से पहले थोड़ा जान लेते हैं कि एज़ पर इंडियन लॉ कस्टमाइजेशन को लेके क्या बोला गया है. सो पहले मैं पढ़ लेता हूँ थोड़ा. As per Indian law, Section 52 of Motor Vehicle Act amended in 2000, जहाँ पे लिखा जा रहा है कि no owner of a motor vehicle shall show alter the vehicle that the particular contained in the certificate of registration are at variance with those original specified by the manufacturer. इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब है आपका जो आर सी बुक में जो गाड़ी का स्पेसिफिकेशन लिखा गया है वो स्पेसिफिकेशंस में कोई ऑल्टरेशन नहीं चलेगा जो भी लिखा गया है आरसी में. बिकॉज हर कंपनी जब भी कोई बाइक तैयार करता है वो सबसे पहले वो डिटेल ऑफ दैट पर्टिकुलर बाइक, वो कलर हो, वो इंजन स्पेसिफिकेशन हो, कुछ भी हो, ये सब लेके ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया में सबमिट करता है अपना डॉक्यूमेंटेशन. उसके बाद वो अप्रूव होता है और वही डिटेल स्पेसिफिकेशन आपका आरसी बुक में होता है. कंपनी वो अप्रूवल मिलने के बाद ही ऑन रोड सेल कर सकता है. तो आपका जो भी आरसी बुक में है वो एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, चाहे आप कुछ भी ऑल्टरेशन या मॉडिफिकेशन कर लो. तो मैं ये एपिसोड में कुछ क्वेश्चंस एंड कुछ आंसर, जो क्वेश्चन मेरा मन में था बिफोर डूइंग द मॉडिफिकेशन, मैं वही सेट ऑफ क्वेश्चन का आज मैं आंसर आप लोगों को दूंगा. शायद वो आप लोगों को हेल्प करेगा
वो आपका गाड़ी में फ्यूचर मॉडिफिकेशन करने के लिए. बिफोर डूइंग द मॉडिफिकेशन, सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरा मन में आया था वह है कि क्या मैं मेरा बाइक का कलर चेंज कर सकता हूँ. द आंसर इज येस, कर सकते हैं, बट ओनली आफ्टर द अप्रूवल फ्रॉम RTO. मीन्स आपका जो गाड़ी का कलर है वो RC बुक में लिखा जा चुका है. तो अगर आपका गाड़ी का कलर कुछ ऑल्टरेशन करोगे तो वो इट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाई RTO. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कौन सा कलर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंटली चेंज करूँ, कौन कौन सा कलर हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं. बेसिकली चार कलर है जिसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ ऑलिव ग्रीन, मिलिट्री ग्रीन, नेवी ब्लू एंड कैमोफ्लेज पैटर्न. क्यों हम लोग ये चार कलर यूज़ नहीं कर सकते हैं? अगर आप गौर फरमाइएगा, ये चार कलर्स हैव बीन यूज्ड बाय इंडियन आर्मीज व्हीकल्स. सो दिस इज़ व्हाट द रीज़न ये चार कलर हम लोग अपना बाइक में यूज़ नहीं कर सकते हैं. माई नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन सा बाइक पार्ट्स हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, एकदम ही नहीं चेंज कर सकते हैं? वो बाइक पार्ट है मडगार्ड एंड साइलेंसर, जिसको आप एकदम ही रिमूव नहीं कर सकते हो. सो जो भी मेरा दोस्त लोग है जो भी ऑलरेडी साइलेंसर चेंज कर चुके हो, या जो सोच रहे हो साइलेंसर चेंज करोगे, खास करके जो रॉयल इनफील्ड ओनर है, जो हम लोग रॉयल इनफील्ड ओनर जो पहला काम करते हैं कि शोरूम से बाइक लाते ही हम लोग थोड़ा साइलेंसर चेंज के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, बिकॉज हम लोगों को वो थोड़ा डुक 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 आवाज़ चाहिए. तो ऑल दोज ब्रदर्स, आप रिसेंट न्यूज़ केरला का देख ही चुके हो, जहाँ पे लोकल अथॉरिटी रास्ते में खड़ा होके सभी साइलेंसर का क्वालिटी चेक कर रहा है, और जो भी वो क्वालिटी से, मैं बाद में आऊँगा क्या क्या सर्टेन क्वालिटी है कि जिसके लिए अथॉरिटी अप्रोच कर रहा है, और वो साइलेंसर को ऑन स्पॉट डिस्ट्रॉय किया जा रहा है बाइक से, और उसके साथ बाइकर को भी फाइन किया जा रहा है. तो वो भी मैं आऊँगा, बट एज ऑफ दिस क्वेश्चन, आप मडगार्ड और साइलेंसर एकदम ही चेंज नहीं कर सकते हो बाइक से. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि आप लोकल अथॉरिटी को ना बोल के या इन्फॉर्म ना करके क्या आपका व्हीकल पेंट कर सकते हो? द आंसर इज़ नो. आप लोकल अथॉरिटी को ना बोल के आपका बाइक का पेंट चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका बाइक का पेंट ऑलरेडी प्री स्पेसिफाइड है इन योर RC बुक. सो बिफोर डूइंग एनी काइंड ऑफ पेंट जॉब, प्लीज़ आप लोकल अथॉरिटी से पूछ ले, उससे अप्रूवल ले, तभी जाके आप वो कलर चेंज करो. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा मन में था कि मैं इंजन पार्ट में कोई सुधार या कोई मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ कि नहीं. वेल, ये थोड़ा ब्रॉड क्वेश्चन है, इसको आंसर देना एक वर्ड में संभव नहीं है, येस नो में संभव नहीं है, बिकॉज इंजन में सुधार लाना मतलब आपका गाड़ी का परफॉर्मेंस में सुधार लाओगे, और अनलेस एंड अनटिल आप कोई दूसरा एनर्जी या दूसरा फ्यूल का सोर्स नहीं मिल रहा है, मॉडिफिकेशन आप नहीं करोगे या करना नहीं चाहोगे, बिकॉज व्हाट इज़ द नीड, कोई नीड नहीं है. बट अगर आप कोई दूसरा फ्यूल या दूसरा एनर्जी सोर्स के लिए आपका बाइक को मॉडिफाई करोगे, तो उसके लिए आपको अगेन लोकल अथॉरिटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, बिकॉज आप सभी को पता है कि हर इंजन से कुछ गैस एमिशन होता है, जो कि हार्मफुल हो भी सकता है ह्यूमन हेल्थ के लिए या एनवायरनमेंट के लिए. बिफोर डूइंग एनी काइंड ऑफ चेंज इन इंजन, अगर आप नया फ्यूल सोर्स या नया एनर्जी यूज़ कर रहे हो, दिस हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय लोकल अथॉरिटी, बिकॉज देयर टेक्नीशियन विल फाइंड इट आउट वेदर आपका जो नया मॉडिफिकेशन या चेंजेस है उससे जो गैस फॉर्म होगा वो ह्यूमन हेल्थ के लिए सही है कि नहीं. वो एकमात्र वो लोग का जो इंजीनियर है वही डिसाइड कर सकता है, हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते हो. तो बिफोर डूइंग एनी काइंड ऑफ चेंजेस इन इंजन पार्ट, प्लीज़ लोकल RTO से अप्रूव करवा लीजिए, नहीं तो आपका फ़ाइन भी हो सकता है अगर वो पकड़ा जाता है तो, बिकॉज इंजन में क्या फ्यूल यूज़ होगा वो भी स्पेसिफाई है RC बुक में. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, अगर मैं हॉर्न का जो हॉन्क साउंड है उसको मैं क्या सॉन्ग्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मेरा पसंदीदा कोई भी सॉन्ग्स हो उससे क्या मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, मतलब हॉर्न बजाने से हॉन्क का आवाज़ ना आके या बीप जो भी आवाज़ ना आके वो अगर कोई गाना चले तो वो कैसा रहेगा?
तो उससे भी मेरे को जो आंसर मिला है कि स्ट्रेट वे नो वी कैन नॉट यूज़ एनी काइंड ऑफ सॉन्ग्स वेदर इट विल बी बॉलीवुड और हॉलीवुड और वट एवर इंग्लिश हो हिंदी हो कोई भी सॉन्ग हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं सिवाय हॉन्ग का साउंड को छोड़ के. Nowadays, एक नया लाइट इजहार हुआ है जो कि हैंडल बार में लग रहा है सोलर इक्लिप्स लाइट है जो कि वेरियस कलर में आ रहा है रेड ब्लू वाइट सब कलर का आता है जो कि आपका इंडिकेटर का भी काम करता है. तो मेरा थोड़ा क्वेश्चन था कि मैं इंडिकेटर का कलर चेंज कर सकता हूँ तो ये भी स्ट्रेट अवे नो है बिकॉज एज पर इंडियन लॉ जो इंडिकेटर के लिए है वो एम्बर लाइट को छोड़ के आप कोई भी लाइट एज अ इंडिकेटर यूज़ नहीं कर सकते हो. आई डोंट नो वेदर इन अदर कंट्री मेरे को लग रहा है अदर कंट्री में भी सेम है बिकॉज हर बाइक का जो इंडिकेटर लाइट का जो कलर है वो एम्बर में ही आता है. अगेन मेरा क्वेश्चन और एक था कि फैंसी एग्जॉस्ट क्या मैं लगा सकता हूँ जो कि रिलेटेड है मेरा प्रीवियस क्वेश्चन से जहाँ पे हम लोग स्ट्रेट वे जो पार्ट्स हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं उसमें एग्जॉस्ट भी था. तो ये क्वेश्चन है कि हम लोग फैंसी एग्जॉस्ट या दूसरा कोई बैरल एग्जॉस्ट लगा सकते हैं कि नहीं. ये आंसर थोड़ा लेंदी है कि आप जो भी एग्जॉस्ट आपका बाइक में लगाओगे वो 30 डिग्री बेंड डाउनवर्ड नहीं होना चाहिए और वो एग्जॉस्ट आपका रिम का बहुत नज़दीक होना चाहिए. वो कभी भी रिम से बाहर नहीं होना चाहिए. आपका रिम और आपका एग्जॉस्ट एकदम अलाइन होना चाहिए. वो डिस्टेंस नहीं होना चाहिए. एंड उसको छोड़ के जो और एक बहुत स्पेसिफिक पार्ट है कि आपका एग्जॉस्ट का जो साउंड है वो साउंड कभी भी 88 डेसिबल के ऊपर नहीं जाना चाहिए. तो जो भी मैं इंसिडेंट बता रहा था केरल का जो भी बाइक में आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाया हुआ है वो एग्जॉस्ट लोकल अथॉरिटी ऑन स्पॉट चेक कर रहा है कि वो 88 डेसिबल से ऊपर है कि नहीं वो 30 डिग्री बेंड डाउन है कि नहीं रिम से बाहर है कि नहीं वो सब एग्जॉस्ट को पकड़ा जा रहा है और उसको ऑन स्पॉट डिस्ट्रॉय किया जा रहा है. सो आप आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट अगर पसंद ही करते हो तो यू हैव टू मेक इट श्योर कि वो 88 डीबी से नीचे हो ना कि उससे ऊपर हो क्योंकि 88 डीबी से ऊपर होने से उसको साउंड पोल्यूशन हिसाब से माना जाएगा और आप पे केस या आप पे फाइन भी हो सकता है. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बेसिकली एप्लीकेबल फॉर फोर व्हीलर एज वेल एज टू व्हीलर. क्वेश्चन है कि हम लोग डार्क टिंटेड शीट अपना विंडो में यूज़ कर सकते हैं कि नहीं. जब मैं मेरा फोर व्हीलर में मैं डार्क टिंटेड लगाने का सोच रहा था तो थोड़ा मैं फाइंड आउट किया था कि एक्चुअली मैं वो लगा पाऊँगा कि नहीं वो एज़ पर रूल एज़ पर लॉ वो जा रहा है कि नहीं. तो जो आंसर मेरे को मिला है कि आम आदमी क्यों कोई भी एक्ट्रेस एक्टर इवन नेता लोग भी अपना गाड़ी पे वो डार्क टिंटेड कोटेड नहीं कर सकता है. इट इज़ अगेंस्ट द लॉ. जो नियम है वो आपका जो व्यू है जो विंडो का व्यू है इट शुड बी 70% ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. द सेम रूल इज़ एप्लीकेबल फॉर विंडस्क्रीन ऑल्सो. आपका विंडस्क्रीन भी आप एकदम ब्लैक डार्क टिंट नहीं कर सकते हो तो उसमें भी 70% ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. सो ये था मेरा कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन एंड उसका आंसर्स. एज अ होल जो बेसिक है और जो जिस्ट है ये डूज एंड डोंट्स का अगेन मैं आई एम रिपीटिंग जो स्पेसिफिकेशन आरसी बुक में है वही आपका बाइक में होना चाहिए. आप सुधार किस किस में कर सकते हो. आप सुधार कर सकते हो अपना सीट में सुधार कर सकते हो. आप अपना कंफर्टेबल हैंडल बार बना सकते हो. बट आप जो कोर स्पेसिफिकेशन है जो कि आरसी बुक में लिखा है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो. बीट इन कलर और इंजन और एग्जॉस्ट आप उसमें सुधार या चेंजेस नहीं कर सकते हो. बिफोर डूइंग दैट आपको वो लोकल अथॉरिटी से अप्रूव करवा लेना चाहिए नहीं तो आप ऑन स्पॉट आपका फाइन या केस आप पे हो सकता है. सो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन को छोड़ के अगर दूसरा कोई क्वेश्चन आपका दिमाग में है कि शायद मैं उस पर मेरा नज़र नहीं गया है फोकस नहीं गया है तो वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में जाके मेरे को दे सकते हो एंड आई ट्राई टू फाइंड इट आउट फ्रॉम प्रॉपर सोर्स और मैं आपसे अगेन दूसरा कोई वीडियो पे वो शेयर करूँगा. तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये इन्फॉर्मेटिव था कि नहीं प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा. इससे आपको कुछ नॉलेज गेन हुआ है कि नहीं और दूसरा कोई क्वेश्चन होने से तो आप मेरे को बताओगे ही.
अगर ये एपिसोड आपको पसंद आए, अगर लगे कि ये एपिसोड आपको कुछ एक्स्ट्रा आपका नॉलेज में एडिशन किया है, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा। और अब तक अगर वीडियो में बने रहे दोस्तों, तो नीचे जो लाल सब्सक्राइब बटन है तो उसको प्लीज़ 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 प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही मेरा नेक्स्ट वीडियो का इंटीमेशन आपको मिलेगा। 2018 के लिए मेरा विश आप लोगों के साथ है, आई विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। ये 2018 आप सभी का लाइफ में बहुत 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 खुशियाँ लाए, ढेर सारा अच्छा न्यूज़ आपके लाइफ में लाए। यही पैगाम लेके मैं आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ दोस्तों। मेरा नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार कीजिएगा, तब तक के लिए बाय बाय। Look at them.